इस जगह से बहुत दूर चली जाऊंगी। तो इन यादों से, इन आंसुओं से छुटकारा मिलेगा मुझे। किसी ऐसी जगह जहां जहां कष्ट की यादें मेरा पीछा ही ना करे। नहीं मीठी, यादों से दूर भाग जाने से यादें मिट तो नहीं जाएंगी ना। मुझे रोकने की कोशिश मत करो मुक्ता, प्लीज। मीठी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आकाश आज कुछ जरूरी काम में अटक गया हो। हाँ मीठी, उसे पता ही ना हो कि आप कि मैं अपाहिज हूँ। पता ही नहीं हो कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, है ना? क्यों झूठा दिलासा दे रहे हैं आप? क्यों? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो तरस खा के मेरे पास वापस आए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मीठी, गलत मत समझिए मुझे। आकाश आप पर तरस खाकर आपके पास आए, ये मैं भी नहीं चाहता। पर आकाश की वजह से आप अपनों से दूर जाएंगे, हम सबसे दूर हो जाएंगे, ये भी तो गलत है ना मीठी? अपनों से प्यार करती हूँ, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज मुझे और अन्नी को रोकने की कोशिश मत कीजिए। नहीं दामिनी, नहीं। इस अवस्था में हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? रविंदर, समझाइए नहीं, कुछ कहिए नहीं। क्या कहें ठाकुर साहब, कैसे रोकें? आज जो मीठी के साथ हुआ है, उसके बाद उसकी उम्मीद, उसका दिल कुछ यूं टूट गया है कि कोई भी लव सब जोड़ नहीं सकता। नहीं दामिनी, तुम साहब, साहब मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि मीठी और आकाश फिर से एक हो जाए, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं है। उनका साथ यहीं तक का लिखा था। अब मीठी यहाँ रहेगी, इस शहर में रहेगी, तो वो आकाश को भुला नहीं पाएगी। अगर यहाँ से बाहर जाएगी तो शायद अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। सालों के बाद ही टूटा हुआ दिल फिर अपने परिवार, अपने शहर को छोड़ के जा रहा है। आकाश से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को परखने में गलती की। कितना भरोसा था हम पर, घर में हमारी राह देख रही होगी, हर जगह हमका ढूंढा होगा, लेकिन नहीं गए। विष्णु, मुक्ता, अन्नी, राठौर साहब, सभी ने हमको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझे हम।
अब वो घर का कौनो सदस्य हमका माफ नहीं करेगा संक्रांत। अरे तू तो अपने आप को दोष काहे दे रहा है, तो हर कोई गलती नहीं है। किसी ने बताया ही नहीं कि मीठी भाभी अपाहिज हो चुकी है। तू ना ही समझेगा संक्रांत, हन्नी और मीठी अपना दुख किसी को नहीं दिखाते, बस सभी अपने आप सह जाते हैं। हुको अपने दुख का तमाशा करने की आदत नहीं है रे संक्रांत। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, भगवान को दिए हुए वचन में हम बंध गए। अरे वो वक्त भी नहीं समझ पाए जब अन्नी हमको समझाने को आई थी। हमको बेटी को फोन करके माफी मांगनी चाहिए, उसे जाके माफ बढ़ के नहीं, प्यार कर रहे तू मीठी भाभी से, जा वो के सामने जा और माफी मांग। नहीं संक्रांत, अरे कौन से मुंह लेकर उसके सामने जाओ, हिम्मत नहीं हमार। अरे आज उसकी हालत हमारे कारण है, हमें बचाने के लाने वो अपाहिज हो गई, पर आज उसकी हालत में हम उसके साथ नहीं। का 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 कहे उसको के? अगर तू नहीं जा सकत है तो हम जाएंगे। मार डालेगा उजी ने, ना ही देगा हमको, हम का करें जी के। अब एक काम कर, तुम्हार गला दबा दे। लो का करें ते? अरे बाबा का करो तो बड़की जीजिया, हम का किए? अब आप ही ने तो कहा कि गला दबा दो, तो हमने वही तो किया। अखर के दुश्मन है तू, कभी नहीं नहीं समझेगी हमारी बात। मौत तो आएगी हमार, हमारी मौत उस चौबे के फेस में। हमने तो पहले ही कहा था कि ये रिश्ता बहुत महंगा पड़ेगा। वो मीठी है ना, वो इच्छा की बिटिया, ओ नफरत करत है मुझसे, ओ अंदर से नफरत करत है। अगर इतनी नफरत है तो काहे मिट्टी के घर में रह रही हो? तोर खातिर, हमार खातिर, तोर खातिर, हमार खातिर कछु ना कर मैया। बस एक काम कर, सबाई को वापस लेकर घर चली जा, हम मिट्टी के बिना नहीं जी सकते। तो जाएंगे घर, चल तो हमारे साथ संग। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहां रहेंगे और यहां रहकर मीठी को दोबारा वापस जिंदगी में ले आएंगे, और दुनिया की कौनो ताकत हमको अलग नहीं कर सकत। तार मती मर गई है का? चौबे को वचन दिया है हम, वो हमको जीने नहीं देगा। काय चिंता करती मैया, अरे कल सवेरे हम खुद जाएंगे, वो अंबिका से बात करेंगे, उनके बाबूजी से बात करेंगे और उनको बोल देंगे शादी मना करने का कारण। बेवकूफ तू, एक नंबर का बेवकूफ है तुम्हार भाई, पागल हो गया का? तू ना ही जाएगा, कछु ना ही कहेगा चौबे से या उनकी बिटिया से। अरे तुम्हार शादी का न्योता निकल गया है, अब तू पीछे नहीं हट सकत और आगे भी नहीं बढ़ सकत। मैया हम ये बात तय कर चुके हैं कि अंबिका से शादी हम ना ही करेंगे, बस। काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपाहिज के खातिर? चौबे की खुशी तुम्हार बिटवा की खुशी से बंद करेगा? अरे काहे डर रही उसे? बस बस बस, अब कोनू बहस नहीं, अब कोनू सवाल नहीं। तो
हो चुकी है, तो अंगूठी पहन चुका है, भूल जाओ मीठी को। अब सगाई हुई है, कानू रिश्ता नहीं जुड़ गया, अंगूठी पहनी है, शादी नहीं कर ली उससे। सगाई के रस्म के दौरान मीठी की अंगूठी तो नहीं निकाल पाई हमार उंगली से, हमार दिल से कहां निकाली थी उनको। मीठी और हमको एक होने से अब कौनो नहीं रोक सका, तू भी नहीं मिया। आकाश तुमको बाजार में अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? तू चिंता मत करना बेटिया, आकाश को उसकी गलती की सजा मिलेगी। एक दो झटके दूंगा ना तो सबकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी, और अगर फिर भी नहीं माना तो साले की टांगे तोड़ दूंगा। कोई मेरे आकाश को छुएगा भी नहीं, समझे? वो मेरा आकाश है, उसे चोट पहुंचाने की गलती कोई नहीं करेगा, कोई नहीं, आप भी नहीं। अरे कल सवेरे हम खुद जाएंगे, वो अंबिका से बात करेंगे, उनके बाबूजी से बात करेंगे, और उनको बोल देंगे शादी मना करने का कारण। आपके बेटे ने दोबारा हमारी बिटिया को मजधार में छोड़ने की गलती की, कानून का चाबुक चलाना आता है। ये बखत कौनवा चौबेल? हेलो, नमस्ते कादी जी। एक अच्छी खबर है और एक बुरी, पहले कौन सी सुनिएगा? बुरी खबर ना आई, पहले से बहुत परेशान है, अच्छी खबर सुना। आपकी लाडली मक्खी और उसकी नानी दामनी कल सुबह शहर छोड़कर जा रही हैं। अरे आपके मुंह में घी शक्कर शहद का खबर सुनाई है? आज रात को ही चले जाते ना तो अधिक आनंद आता। अब बुरी खबर। हाँ मीराखे, हमारी मुक्ता उस फटीचर विष्णु के साथ कल ही शादी कर रही है। अब आपकी खातिर हम आके ये शादी रुकवा सकते थे, रुका है कि हमारे बिटवा ने हमारे जी का जंजाल बना रखा है। क्यों, शादी से मुकर गया क्या वो? अरे वाह, आप तो बहुत ही ज्ञानी है, बिना कुछ कहे समझ गए। आया था वो काला चश्मा वाला, पता नहीं का कह के गया बिटवा को, अब बोल रहा है बिटवा वो शादी ना ही करेगा, मीठी के पास जाने की बात कर रहा है। रघुवेंद्र की भी मती मारी गई है, अरे क्या जरूरत है ये मीठी मीठी करने की? अपनी बेटी का भविष्य तो दिखता ही नहीं है उसे। एकादी जी कुछ करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आदम के और उस लंगड़ी मक्खी को गले लगा ले। ये तो ना ही होने देंगे, हम ना ही होने देंगे। बाकी तो राम ही रखे, कहा करे ऐसा, कहा करे कि बिटवा सुबह तक जाए नहीं, पासी रहे। बिटवा, ओ बिटवा, रे आकाश।
ये बड़की जीजिया को क्या हो गया? कहा बड़की जीजिया, काहे चिल्ला रही हो? देख हमका बुखार, बुखार है का? है? बुखार। हाय राम, आपका माथा तो तप रहा है, डॉक्टर को बुलाया हम? नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, तू जाकर बिटवा को बोल के मैया को बहुत बुखार है, रुक पहले ही लेके जा। अच्छा बड़की जीजिया, प्यास बगल में इसलिए दबा के बैठी हो कि बुखार चढ़ जाए? आप भी ना बड़की जीजा बहुत चालाक हो। हाँ तो हूं, मतलब ये बुखार नकली था, तो अब हम जाए काम पे? सुन, इसको बताना मत कि बुखार नकली है। जा जा बिटवा के कमरे में जाकर शोर मचा जा। अच्छा अब देखो कैसे शोर मचा के सबको परेशान कर देते। आकाश बिटवा, संक्रांत, ये लो हो गई ना बात बस, अब रात भर बिटवा बैठेगा हमार संग, नहीं जा पाएगा मीठी के पास। मैया, मैया, क्या हुआ? कुछ बुखार है? संक्रांत, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। मैया दवा नहीं खाएगी तो बुखार कैसे उतरेगा आपका? हाँ, तू नहीं समझेगा। बिटवाई हमार डॉक्टर, बिटवाई हमार दवाई, तुम्हार संग बैठा रहेगा ना? वही तो फिर हम ठीक हो जाए, तो मैं आपका छोड़ के ना ही जाएगा ना, वही अकेला ने इतना तो करेगा। करूंगा। अब जाइए, संक्रांत तू भी जाके आराम कर, मैया के पास हम रहेंगे। अब हम सो जाए। मैया, मैया, तुहार बुखार उतर गया। हाँ तू पास था ना इलाने, हम हल्दी वाला दूध ले आते तुहार वास्ते। नहीं नहीं, तू कहीं मत जा। मैया कहीं नहीं जाएंगे हम, बस दो मिनट में रसोई घर जाएंगे और दूध ले आएंगे। अभी आते हैं। हो गया। अरे ये प्याज क्यों फेंक दिया? ठीक तो प्याज है, प्याज का दाम मालूम है ना तुम्हें? अरे तो ये प्याज अब खाएगा कौन? बड़की जीजा बगल में दबा के बैठी थी, हाँ, ताकि उनको बुखार आ जाए और आकाश बिटवा पूरी रात उनके पास ही बैठा रहे। हाँ